निषेचन कहाँ होता? निषेचन का मतलब होता फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होता निषेचन का मतलब। अब देखो निषेचन का मतलब क्या होगा, पुरुष में ना होता निषेचन, पुरुष में नहीं महिलाओं में होता है, क्योंकि जब आप सेक्स करते हैं उसके दौरान आपका जो भी स्पर्म होता है वो महिलाओं के बॉडी में प्रवेश करता है। अब उसके महिलाओं का जो ओवरी होता है, ओवरी के बाद ओवरी में जो अंडाशय होता है वही पर जो होता है ना, वही फेलोपियन ट्यूब, उसी फेलोपियन ट्यूब में अंडाशय में जाकर क्या होता है, निषेचन होने की क्रिया करता है। मतलब फीमेल का क्या होता है कि ओवम और पुरुष का स्पर्म दोनों मिलकर निषेचन करता है, जो गर्भाशय में आकर एक बच्चा का रूप ले लेता है। तो ये होता है, ठीक है, तो याद रखना निषेचन कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। देखो एक चीज यहीं से आता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। देखो वो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, जो आप हीरो हीरोइन देखते हैं ना, वो अपने बॉडी बिगड़ने की वजह से क्या करता है, लोग अपना बच्चा अपने पेट में नहीं पालता है, वो क्या करता है, सबकी हीरोइन जो होती है ना वो अपने शरीर से ओवम निकलवा देती है थोड़ा सा डॉक्टर से। पुरुष क्या करता है, जो हीरो रहता है वो भी अपने शरीर से थोड़ा सा स्पर्म निकालेगा और दोनों को डॉक्टर मिलाकर रिएक्शन करा देगा, किसी और दूसरे के पेट में डाल देता है, उसके पेट में वो बच्चा रूप ले लेगा। क्योंकि भाई वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन के द्वारा ही तो बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चा तो उसी का है लेकिन पल रहा है किसी और के पेट में। तो इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं ना उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब टेस्ट करके जो बच्चा जन्म दिया गया वो भी अपने पेट से नहीं किसी और के पेट से। सही में इसको देखो, कुछ ऐसे अपने देश में गरीब महिलाएं हैं जो अपना पेट पालने के लिए ऐसा काम करती है। हीरो हीरोइन पैसा फेंकी है तो आजकल का नहीं होने वाला है, सब पैसा फेंकर तमाशा देखा, पैसा फेंकने से पूरा तमाशा खड़ा हो जाता है। आप पैसा नहीं है तो कुकरों ना पूछने आएगा, पैसा का वैल्यू दीजिए भैया लोग। समझ रहे, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होगा कि है तो आप ही का बच्चा, आप ही का स्पर्म ओवम मिला है लेकिन किसी और के पेट में पड़ रही है, उसके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा वही टेस्ट ट्यूब बेबी कही जाती है।